हेलो एवरीवन, मैं ना आज ना मार्केट जाने वाली थी। सुबह से ही प्लान कर रही हूँ कि मैं मार्केट जाऊँ, बट क्या करूँ ना, सुबह से लाइट हमारी पूरी मतलब गई हुई है। सुबह से इन्वर्टर भी नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा। आज तो फुल डे मतलब गर्मी में ही हम लोग गुजार रहे हैं। तो आज मेरा मार्केट जाने का प्लान है। अगर लाइट आती है टाइम से, मतलब यही कोई 4-5 बजे के बीच में अगर लाइट आ जाती है, तो मैं मार्केट जाऊंगी, थोड़ा शॉपिंग करनी है। क्योंकि मेरी जो नेबर है, मतलब नेबर भी मान लो, और मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी फ्रेंड भी है वो, तो उसके हस्बैंड का आज बर्थडे है। तो फिर उसने मतलब ऐसे मजाक में मुझे बोला क्या गिफ्ट करेगी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। नेचुरल सी बात है कि मुझे गिफ्ट तो करना पड़ेगा, तो बस उसी की शॉपिंग के लिए कि जो भी अच्छा लगेगा उनके हस्बैंड के लिए ले आऊँगी। और थोड़े बहुत कुछ छोटे मोटे मेरे भी काम हैं मार्केट के, वो मुझे करने हैं। तो अगर वो लाइट आती है तो हम ज़रूर जाएंगे, अगर नहीं आती तो कैंसिल होगा आज का प्रोग्राम। और अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या खरीदा। मार्केट जाने से पहले मैं एक बार खाना खा लेती हूँ, ताकि मुझे मार्केट में जाके कोई फास्ट फूड वगैरह ऐसा वैसा कुछ भी ना खाना पड़े। तो गाइज, अब मैं मार्केट के लिए जा रही हूँ। आज बहुत गर्मी है और यहाँ अंदर तो गर्मी नहीं लग रही क्योंकि एसी चल रहा है यार गाड़ी में, तो बट बाहर निकलेंगे तो बाहर तो जाके पता चलेगा। गाइज, हम यहाँ आ चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। उनके लिए जो मैं टी शर्ट या कुछ भी शर्ट वगैरह जो भी मुझे पसंद आएगा मैं उनके लिए परचेज कर लूँगी। फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के घर, मतलब जहाँ जिसका बर्थडे है आज, ठीक है, उनकी सॉरी हस्बैंड का बर्थडे है आज। तो मैं उनसे मिलवाती हूँ आपको जाके कि हेलो। ये सुन ही नहीं रहे यहाँ पे तो कोई भी। ये है मेरी फ्रेंड, मतलब ये मेरी फ्रेंड है रश्मि, और ये उनकी भाभी जी, ये उनका बेटा सौरभ, और ये गई तनु। ये देखिए, ये मतलब इन्होंने समोसे लिए हैं, जो कि अभी थोड़ा जहाँ अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको सबको ये लोग बांट के आएंगे। तो ये मुझे बोल रही है कि मेरे साथ चलने, हम दोनों जा रही हैं समोसे बांटने के लिए। हाँ, आश्रम में पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ ये मेरी फ्रेंड खड़ी है और ये उनको बच्चों को देने के लिए जा रही है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। तो फाइनली गाइज, मैं वापस आ गई हूँ। सब कुछ उनको दे के, जहाँ भी उनको देना था वहाँ समोसे वगैरह या जो भी और भी कुछ लेके आई थी वो साथ में मेरी फ्रेंड, वो सब उनको दे दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या लेके आई हूँ। देखिए, ये आपने देखी होगी वहाँ पे जो मैंने मतलब पसंद की थी उनके लिए, ठीक है। ये वाली टी शर्ट्स हैं उनके लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक टी शर्ट और पसंद आ गई। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, क्या वहाँ पे शूट करना है, मैं घर आके दिखा दूंगी, ठीक है। एक मुझे ये पसंद आई, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये भी मैंने ट्रेंड से लिए, शायद आप देखिए लोगों भी देखिए ट्रेंड से, ये भी ट्रेंड से लिए। और एक मुझे मेरे लिए टॉप पसंद आया, फिर मैंने यहाँ से टॉप भी ले लिया एक, ठीक है। ये देखिए, ये है मेरा टॉप जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, ठीक, आप देख सकते हैं। फिर ये चीज़ें बस मैंने तीन ली, और लेके उसके बाद जैसे मैं बस घर वापस आई, वापस आने के बाद फिर मुझे मेरी फ्रेंड के साथ जाना पड़ा। उसने बोला चलो चलते हैं, वहाँ चली गई फिर मैं। और अब बस थोड़ा सा
मतलब फ्री हुई फाइनली। अभी बस वो डिनर के लिए जाना है, तो शायद मैं वहाँ वीडियो बनाऊँ, शायद, कंफर्म नहीं है, कच्चा पक्का सा है, बनाई तो ना बनाई तो। अदरवाइज़ वो मैं उनको यही बोल रही हूँ कि हम यार बाहर नहीं जाएंगे खाने के लिए, ठीक है, बाहर जाने के लिए तैयार होना पड़ता है, ये होना पड़ता है, वो होना पड़ता है। तो मैं उसको ये बोली कि यार तू घर पर ही मंगवा दे जो मंगवाना है, ठीक है। तो शायद पिज़्ज़ा विज़ा ऑर्डर कर रही है या कुछ भी, और जैसे कोई पिज़्ज़ा विज़ा या खाना वाना जो भी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। बाय। तो जैसे पिज़्ज़ा आया तो ये सुनते सुनते यहाँ आ गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर आया है आज चीज़ वाला। तो अब ये खाएगा और खाए बिना रहेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। ये हमारे जो प्यारे मेहमान हैं उनको भी भूख लगी है। टाफू पिज़्ज़ा, हाँ आपको तो पता ही है कि इसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है।